नमस्कार, मैं हूँ वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल। मैं ट्रेन में हूँ, शायद इस कारण आवाज़ थोड़ी बिगड़ सकती है, पर आज जो मैं बात करने के लिए आपसे आया हूँ वो अक्टूबर में जो मुंबई के रियल एस्टेट सेल्स हैं वो शायद बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तय कर रहे हैं। फ्राइडे को जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद तब तक मुंबई में जो रियल एस्टेट सेल्स हैं वो अक्टूबर 2020 में जितने रियल एस्टेट सेल्स हुए थे उनको पूरा का पूरा आंकड़ा पार कर जाएगा। गुरुवार की देर शाम तक तकरीबन 7,811 से भी अधिक रियल एस्टेट सेल्स मुंबई में रजिस्टर हो चुके थे, जबकि अक्टूबर 2020 में मुंबई में 7,928 घर अक्टूबर में बिके थे। अब ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा है और हमने ये जानने के लिए बहुत से लोगों से बात की, जिनमें से निरंजन हीरानंदानी जो एक जाने माने शख्सियत हैं रियल एस्टेट जगत के, उन्होंने हमसे कहा कि बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि मुंबई में घरों की कीमतें बहुत सालों से नहीं बढ़ी हैं। दूसरा, कोविड के दरमियान लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें बड़े घर की ज़रूरत है और जिनके लिए अफोर्ड कर सकते हैं वो घर खरीद रहे हैं। कोविड काल भले ही रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं पर बहुत सारे लोग अभी भी घर से काम कर रहे हैं, बच्चे अभी भी घर से पढ़ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को जिनके पास पैसे हैं जो घर खरीदना चाहते हैं उन लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो एक स्पेस क्रंच है उससे बैटल करने के लिए भी घर खरीदा जा रहा है और ये हो रहा है। अगर उनका ये भी कहना था कि अगर कुछ सेक्टर्स छोड़ दें तो अधिकांश सेक्टर जो बिज़नेस हैं उसमें दे आर बैक ऑन ट्रैक, यानी वापस से पुराने वाले जगह पे आ चुके हैं, उससे बेहतर कर रहे हैं। आईटी खास करके स्टॉक एक्सचेंज अगर आप देख लें तो उसमें भी बहुत बड़ा चढ़ाव आया है। ये बहुत सारे कारण हैं कि जिनके वजह से जो मार्केट है भले ही कुछ मार्केट ना बदले हों पर अधिकांश जो रियल एस्टेट के संबंधित मार्केट हैं उनमें एक बहुत बड़ा उछाल आ चुका है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से रियल एस्टेट में बहुत बड़ा उछाल आ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो गुरुवार तक यानी शाम तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 7,811 से ज़्यादा घर अब तक बिक चुके हैं और रजिस्टर हो चुके हैं। और आम तौर पर यानी आज गुरुवार के दिन एक दिन में तकरीबन 500 घर बिके हैं मुंबई में, तो अगर उसका आधा भी बिकता है फ्राइडे को रजिस्टर होता है तब भी ये ऑटोमेटिकली जो रियल एस्टेट सेल्स हैं इनके फिगर बढ़ जाएंगे। तो मुंबई में घरों की कीमतें भले ज़्यादा बढ़ी ना हो पर सेल बढ़ रहे हैं। अगर आपको रियल एस्टेट जगत को समझना है तो आप उसको सेल्स के मापदंड जो होता है उससे समझ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बिल्डर्स ऑफर्स दे रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल है, धनतेरस है, दिवाली है, नवरात्रि गई, तो इस दरमियान सारे लोगों ने भी घर खरीदने के जो दौड़ थी उसमें आ गए। मैंने पहले भी कहा था कि इंटरेस्ट रेट्स जो होम लोन इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा कम है और इस कम इंटरेस्ट रेट की वजह से भी घर लोग ले रहे हैं, क्योंकि होम लोन पे कम होता है तो बेहतर होता है, तो ये सारी चीज़ों के वजह से घर ज़्यादा बिक रहे हैं। squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और स्क्वायर फिट इंडिया का ये यूट्यूब चैनल है। हमारे चैनल और वेबसाइट के ज़रिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप squarefeetindia.com पर विज़िट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।